ईश्वर नू खोजना नहीं है, खोजना उसनू पैंदा है जो गुम हो गया है। ईश्वर दे कोल जाना भी नहीं है, जाना उसदे कोल पैंदा जिहड़ा अपने तो दूर हो गया। ना उसदे कोल जाना है, ना उसनू लभना है, सिर्फ जागना है, सुचेत होना है, सावधान होना है। परमात्मा ते जाहर जहूर है, ते हाजिर हजूर है। रविदास कहिंदे ने ए हथ भी जितना तन तो दूर जा सकदा है, वो तो इतना भी दूर नहीं। कहे रविदास हाथ पे नेरे सहजे होए सोई। जप जप के सिर्फ इतना ही पता चलता है कि वो मेरे कोल सी, कि मैं उसकी तलाश करता रहा, खोज करता रहा। दरअसल खोज करना की है, अपने आप नु जगाना। धन सोती फिर सद जागंदा। मनुख की जीवन चेतना सुती हुई है, पूर्ण तौर पर जागे हुई नहीं है। इंज कहते असी अधे जागे हो, पूर्ण जागे हुए नहीं। संसार दिखाई देता है, निरंकार नहीं। भोजन का रस आता है, भजन का नहीं। वाहगुरु वाहगुरु करते हैं, किसनों रस आता नहीं। पर भोजन की बुरकी पाई है तो रस आता है। रसना अधी जागी हुई है, अधी सुती हुई। अखां अधियां जागियां ने, अधियां सुतियां हुई ने। संसार नूं वेख रही ने, निरंकार नूं नहीं। कन अधे जागे ने, अधे सुते ने। ये जगत नूं सुन रहे ने, गुरु नूं नहीं सुनते, ना परमात्मा नूं सुनते। शरीर संसार नूं स्पर्श कर रहा है, निरंकार नूं नहीं। जब कोई पूर्ण तौर पर जाग जाता है, सुचेत हो जाता है, तो रसना नूं भजन का भी रस आन लग पैंदा। रसना गीदी बोलत राम, वो जैसे राम कहिंदा है, वो जैसे वाहिगुरु कहिंदा है, रस नाल भर जाता है। उन्हों जो कुछ दिखाई देता है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। जप करके तप करके अपने आप नूं जगाना है। कीर्तन सुनिया होया, कीर्तन कीता होया, उसे दा ही सफल जिन्हें जपना आरंभ कर दिता। लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश, उस एक दा नाम रसना नाल जिसने जपना आरंभ कर दिता। और उतने चिर तक आरंभ जारी है जितने चिर तक ये जागया नहीं। जब जाग जाता है, रसना खामोश हो जाती है, शब्द प्राणा विच बस जाता है। तो मैं उस तरह जद भी किसी महापुरुष नो आत्म ज्ञान होया, वो इस गल ते हैरान होया, प्राप्त कुछ भी नहीं होया, जिहड़ा प्राप्त सी उसका पता चल गया, लभिया कुछ भी नहीं, मिलिया कुछ भी नहीं, जो मिलिया ही होया सी उसका पता चल गया। बस आम जगत नूं पता नहीं होंदा कि वह मिलिया होया, जिसनों असी भगत संत कह दें, उन्हों पता है कि उसके हाथ तो भी नेड़े है, उसे हाजिर नाजिर है। जब कभी इस तरह की उपलब्धि किसी नूं होंदी है, उसनों हैरानगी भी आती है कि मैं जगत नूं दसां। हकीकत यह है, असलियत यह है। और कभी कर्म कांड तो उच्चे उठने की कोशिश करो। पर कबीर एक मायूसी जाहिर करते ने, राम रतन धन पाए के कबीरा गांठ न खोल, नहीं पटन नहीं पारखो नहीं गाहक नहीं मोल। कबीर कहते ने कि राम नाम का हीरा लभे है, अजीबो गरीब अवस्था की प्राप्ति हो गई है। ये हीरा हुण मैं देना चाहना, वेचना चाहना। कहते ने संसार का जब धन किसी नूं प्राप्त होवे, छुपाने की कोशिश करता है। पर जब कभी रब्बी दौलत मिलती है उसनों,
तो उस दे अंदर एक दसण दी भुख पैदा हो जाती कि मैं बाकियां नूं भी दसा। हर मनुख एक बहुत वड्डी खान है हीरे ते रतना दी। सारे पहाड़ां दी सोना चांदी नहीं आउंदा, ते समुंदर दी सारी थां दे उत्ते हीरे मोती नहीं आउंदे, पर हर जीवन दे अंदर प्रभु दा नाम है। नवनिध अमृत प्रभु का नाम, देही में इसका विश्राम। कोई भी जीवन खाली नहीं कि उसके अंदर परम जीवन ना होवे, परम आनंद ना होवे। कबीर कहते हैं मैं तलाश कर रहा उस मंडी दी, उस बाजार दी, जिथे हीरे बिकते ने मैं बेचना चाहता। राम रतन धन पाए के कबीरा गांठ ना खोल, नहीं पटन। पटन कहते बाजार नो। आप कहते कोई बाजार ही नहीं है, कितने बेचा हूँ? हीरा ते जौहरी बाजार बिकेगा ना, हीरिया की मंडी च बिकेगा। सब्जी मंडी ते हीरे नहीं बेची दे, और सब्जी मंडी ते सब्जी खरीदन दे ग्राहक आणगे, गाजरां मूलियां लैण वाले आणगे, सब्जी लैण वाले आणगे, कोई हीरे लैण वाले थोड़ी आणगे। कबीर कहिंदे ने हीरा कोल है वेचना चाहना, जो अगमी दौलत मैनू मिली है मैं दसना चाहना, जो अगमी रस मैनू मिले है मैं जगत नू समझाना चाहना, हीरा मिले है बेचना चाहना। मंडी कोई नहीं, पता है मंडी की है? सत्संग। हर शहर में सत्संग नहीं होगा, हर जगह सत्संग नहीं होगा। गली गली विच मंदिर है, सत्संग किधरे किधरे। गली गली विच गुरुद्वारे ने, सत्संग किधरे। सुनिया पईयां ने मस्जिदां, खाली पे ने मंदिर, या किधरे कद पुजारी बेचारा बैठा ते घड़ियाल बजा रहे, कुछ भी नहीं, टेपां चल रही पे। हुण मशीन बंदगी करे, हुण मशीन कीर्तन करे, क्योंकि मनुख की मशीन ते कीर्तन करना नहीं चाहिए। चलो होया घर विच बैठ के सुन लिया, पर हुण सत्संग विच भी मशीना चल रही ने। रैराज साहब का पाठ टेप ला लो, आसा दीवार का कीर्तन टेप ला दो, सुनो। और किसी हद तक मनुख भी मशीन आंदा जा रहा, जिस सारा दिन भी टेप रिकॉर्डर के अंदर कीर्तन चलता रहे, सारी जिंदगी चलता रहे, तो टेप रिकॉर्डर ने कोई ब्रह्म ज्ञानी नहीं हो जाना? बस मनुख भी इस तरह का ही हो गया, वो भी मैं मशीन ही हो गया। मशीन की तरह की, यंत्र की तरह सब कुछ हो रहा है। जागृतता नहीं है, सुचेतपना नहीं है। प्रभु की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत। जिड़ा कम जितना कीमती होवे, अहम होवे, खास होवे, उस विच उतनी एकाग्रता चाहिए, उतनी गहराई चाहिए, उतना ध्यान चाहिए। धर्म का तो मतलब ही है ध्यान साधना। गुरु से ध्यान नहीं है तो जे धर्म की यात्रा शुरू नहीं होगी। कबीर कहते हैं कोई पटन ही नहीं है, कोई बाजार ही नहीं है। हिंदुस्तान के दो इतिहासक शहर ने, एक आगरा एक जयपुर, इन दो शहरों में बाजार ने उन्हों का नाम है जौहरी बाजार। आगरे का जौहरी बाजार अकबर ने बनवाया से, जयपुर का जौहरी बाजार महाराजा जय सिंह ने बनवाया से। अकबर के समय, राजा जय सिंह के समय, इन दो बाजारों में हीरिया की खरीदो फरोख्त का काम शुरू होया। भाई सिर्फ हीरे, रतन, पन्ने, लाल, मूंगे, नीलम, जवाहरात, पन्ने, जौहरी बाजार। आगरे के जौहरी बाजार देखते अजकल चमड़ा ही बिकता, या मोटा मांस बिकता है जौहरिया की दुकाना को। जयपुर का जोड़ा जौहरी बाजार है, उत्थे हीरिया की खरीद फरोख्त होती है, उत्थे सिलसिला है। पर इतना वड्डा ये देश है,
हीरियां दी मंडी हीरियां दा बाजार किधरे किधरे हर थां ते नहीं, हर जगह नहीं। हर शहर दी सब्जी मंडी जरूर है, कपड़ा मार्केट है, लोहा मंडी है, लकड़ मंडी है, हर शहर विच हीरियां दी मंडी नहीं है, जौहरी बाजार नहीं है। कबीर कहिंदे जिहड़ा हीरा कोल है वेचना चाहना पर पटन नहीं है, बाजार नहीं है। जिथे गाजरां मूलियां पईआं विकदियां मैं उत्थे हीरा लैके बैठ जावा वेचण, इत मूर्खता होगी, इत मूर्खता होगी। हर जगह देते सच की गल नहीं की जा सकती, परमात्मा की गल नहीं की जा सकती। इतने कोई स्रोता ही नहीं, कोई चाहत ही नहीं, कोई तड़प ही नहीं, उत्थे की बयान करना। तो कबीर कहते ने कोई मंडी ही नहीं है, नहीं पटन। आप कहते ने भ्रमण करद्या करद्या कदी कदाए मंडी मिल जाती है, पटन लग जाता है, बाजार लग जाता है। दुनिया का भ्रमण करते करते किसी शहर के सत्संग लग पैंदा, तो कबीर कहते खुशी हो जाती है, मैं मंडी लग पई। पर आप कहते ने मेरी खुशी एकदम मायूसी दे बदल जाती है। क्यों? नहीं पटन नहीं पार खो, पटन ते लभ पे है, बाजार ते लभ पे है, पर उत्थे जिहड़े आउंदे ने पारखू नहीं ने हीरियां दे, समझ कुछ भी नहीं। आ रहे ने मंदरां विच भगवान दी कोई समझ नहीं, आ रहे ने गुरुद्वारियां विच गुरु दा कोई बोध नहीं, पढ़ रहे ने नमाज मस्जिदां विच खुदा दी कोई समझ नहीं, खुदा दा कोई ज्ञान नहीं। कहिंदे पारखू ही कोई नहीं, ते जद पारखू कोई नहीं तो हीरा मिट्टी और की है। जद पारखू ही नहीं है तो हीरा कच्च है और की है। जयपुर के जौहरी बाजार में एक सिंह की भी दुकान है, वो हीरे मोतियां का काम करता। किधरे एक दिन मैं जयपुर राजा पार्क के गुरुद्वारे 14 रत्ना की कथा की थी, मैनू कहन लगा गहने जी ये रतन तुसी वेखे ने? उत्थे नहीं, विशेष रूप विच ये नौ आउंदे ने, नौ रतन, हीरा है, लाल है, पन्ना है, मूंगा है, नीलम है, जवाहर है, मोती, इस तरह की गिनती नौ बनती। मैनू कहन लगे तुसी देखे ने? उत्थे नहीं, सारे नहीं देखे। कहने लगे अज वक्त कढ़ो, मैं थानू दुकान पर लै जाना, अपने सारे दिखा देना, मेरे को सारे ही हैं, असी यही काम करते हैं, साडा यही धंधा है। उसकी दुकान पर पुखराज नहीं सी, उन्हें पड़ोस की दुकान तो मंगा के मैनू दिखाया, बाकी सारे रतन दिखाए। एक एक की जो कीमत दसदा गया मैं हैरान होंदा गया, पूरा बाजार जौहरी बाजार है। कबीर कहते ने हीरा लेके मैं बैठ गया, कोई पारखू ही नहीं है, किसी को समझ ही नहीं, नहीं पटन नहीं पारखू। मैं दोहरा दिया, आ रहे ने लोकी मस्जिद खुदा दी कोई समझ नहीं है, आ रहे ने लोकी गुरुद्वारे गुरु का कोई बोध नहीं, बड़ी भीड़ जा रही है मंदरां दे भगवान का कोई ज्ञान नहीं, कुछ भी समझ नहीं। नहीं पटन नहीं पारखू। आप कहते ने कदी कदाई भ्रमण करद्या करद्या किसी बाजार में पारखू भी मिल जाते, समझ पता है सत्य की है, संतोख की है, दया की है, प्रेम की है, निर्वैर जज्बे की है, समदृष्टि की है। चर्चा ही हो रही है सत्य दी, संतोख दी, समदृष्टि दी, दया दी, निर्वैरता दी, निर्भयता दी, पर ये दैवी गुण है न की समझ कुछ भी नहीं। सूरज अपना चानना वंडदा है किरणा दे राही, परमात्मा का प्रकाश मनुख के हिरदे विच फैलदा है गुणा दे राही।
और जैसे जैसे मनुख के अंदर गुण वधे ने वैसे वैसे रब्बी चानना वधदा है। धार्मिक मनुख की पहचान गुणा करके कि दया है, ये कि प्रेम है, ये दृष्टि कितनी समानता है, किन्ना क निर्वैर है, किन्ना क निर्भय है। इन्हों दैवी गुणा के पैमाने नाल ही नापना पैंदा है कि मनुख किन्ना क धार्मिक है। और किस तरह नापोगे? चानना सारे का सारा सूरज का है, गुण सारे दे सारे परमात्मा के ने। सब गुण तेरे मैं ना ही को, गुण तो सारे उसके ने। रोशनी इतने गुरुद्वारा हाल दे हो रही है, पर रोशनी तो सारी सूरज की है, गुण सारे ही परमात्मा के ने। कबीर कहने भरमन करद्या करद्या खुशी हो गई एक दिन कि बाजार भी लब पिया ते पारखू भी लब पिया। उन्हें समझ आया समदृष्टि किसनों कहते, दया की है, ज्ञान की है, विज्ञान की है, निर्वैरता की है, निर्भयता की है, शील की है, संयम की है। ग्राहक सिर्फ है, आया ही नहीं बाजार विच, उन्हें परख भी है, समझ है। तो कबीर कहने मन खुश हो जाता है, चलो पारखू मिल गया। कहने संगीत कोई गा रहा हो, कोई आलाप कर रहा है, पर जब कोई संगीतकार किसी संगीतकार नू दाद देंदा है तो उसनू जिहड़ी रूहानी खुशी आउंदी है दूजियां दे सिर हिलाण नाल नहीं, जिन्हां नू कख नहीं पता संगीत है कि वास्तविक राग है कि कुछ बोलां नू कुछ अखरां नू तरतीब दे देईए तो कविता दा जन्म हो जांदा है, आवाज नू तरतीब दे देईए तो संगीत दा जन्म हो जांदा है, और जिंदगी दे हर कर्म नू तरतीब दे देईए तो भगती दा जन्म हो जांदा है। उठना बैठना खाना पीना सोना जागना सारा तरतीब दे चल गया, सारा मर्यादा दे चल गया।